रोज़ टी पी ली है और चल पड़े हैं आगे। तो लिंगशीट को जो रास्ता छोड़ा था, अब ये नया रास्ता जाके सिंगला वाले रूट पे मिलेगा और इसमें तीन माउंटेन पास आएंगे, चाको गोरिल्ला पास, कोंगोला पास और एक और पास है। तीन पासिस आएंगे लेकिन बोर्ड बोर्ड कहीं नहीं लिखा है, भाई ने बताया। अभी ये नया रूट जो अभी नया खुला है बिल्कुल, ये है निम्मू वाला रूट, ये सामने से जा रहा है लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी जाने नहीं दे रहे, पता नहीं पूछना पड़ेगा या किससे पूछे समझ नहीं आ रहा। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी चाको गोरिल्ला माउंटेन पास की तरफ और ये बिल्कुल नीचे से आए हैं, ये देखो कितना डर लग रहा है नीचे देखते हुए भी। और हम ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे हैं चाको गोरिल्ला की तरफ और इसके बाद आएगा कोंगला और एक और पास आएगा। तो ये तीन पास हमारी लिस्ट में हमारे शामिल हो जाएंगे, नए तीन पासिस जो हम क्रॉस करेंगे। खड़े हैं चाको गोरिल्ला पास पे, फर्स्ट पास इस रूट का, और ये हमारी बाइक KTM और ये हमारी एक्सपल्स और ये देखिए माउंटेन देखिए। और परली तरफ का मैं व्यू दिखा देता हूँ एक बार, ये सारा रूट हमने कवर करना है, ये मिट्टी वाले पहाड़ से ये उस तरफ चले जाना हमने। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ये नए रूट का क्या शानदार व्यू है यार। और सबसे बड़ी बात है मेटल रोड है, ऑफ रोड नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ पे इस माउंटेन को क्रॉस करेंगे, ये सामने वाला पहाड़ को क्रॉस करेंगे तो वो कोंगला आ जाएगा, वो सामने आई थिंक है, वो ऊपर जाना है वहाँ पे। इस माउंटेन को भी क्रॉस करना पड़ेगा हमें। तो ये है हमारा सेकंड पास कोंगला पास, उससे पहले हमने चाको गोरिल्ला पास पास किया था। अभी आप यहाँ से जाओगे ना, हाँ ये कोंगला आएगा ना, हाँ एक जंक्शन आएगा। अच्छा, आप जंक्शन से लेफ्ट जाओगे ना तो ये क्यूपाला आएगा, पर वो ऊपर से ही दिखेगा सिर्फ, आप नीचे रहोगे वो ऊपर रहेगा। अच्छा, और पूरा पीछे का लिंगशेद दिखेगा। अच्छा, तो लिंगशेद विलेज है ना, हाँ हाँ बैक साइड ऑफ लिंगशेद है। ओके, और ये सब होने के बाद सिंगिला आएगा। सिंगिला आने के बाद ये फोटोक्सर जैसे आप पहुंचने वाले रहोगे, हाँ हाँ 5-6 किलोमीटर पहले भूम टेक्सला करके पास है। कौन सा? भूम टेक्सला। भूम टेक्सला, उसका बोर्ड बोर्ड नहीं है शायद, है ना? कुछ भी नहीं है। हाँ, 6-7 पास हो जाएंगे इस बार इसमें तो। कोंगला से हम निकल पड़े हैं क्यूपाला, आगे है क्यूपाला पास, तो क्यूपाला पास को जा रहे हैं। तो दो पास तो हो गए हैं, थर्ड पास की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये माउंटेन देखो यार, ऐसे लगता है कोई यहाँ आया ही ना हो। हम अभी क्यूपाला पास की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरह से पिन बैंड बहुत सारे आ चुके हैं और माउंटेन के ऊपर जाए जा रहे हैं। ये देखिए नीचे से आए हैं कितना, और ऊपर इस माउंटेन पे जा रहे हैं क्यूपाला की तरफ, क्यूपाला पास। और ये हमारा आज का थर्ड पास हो जाएगा और उसके बाद तीन पास हो रहेंगे, टोटल 6 पास हो जाएंगे आज के। तो गाइस हम पहुंच गए हैं क्यूपाला पास, लिंडशीट जंस्कार साथ साथ है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे पास क्यूपाला पास में, और जंस्कार के लिए ये रास्ता है, लिंगशीट जाना है तो ये रास्ता है, और हमें ले जाना है तो ये रास्ता है। ये जंक्शन पॉइंट है और ये ऊपर की माउंटेन देखो यार, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, शानदार खतरनाक। तो वाटर क्रॉसिंग पहले तो मुझे बहुत मिली थी, ये सभी पे वाटर ब्रिज बना दिए गए हैं और ये बिल्कुल ही नया रूट लग रहा है, या तो रास्ता चौड़ा किया जा रहा है इस वजह से समझ नहीं आ रहा पुराना रास्ता कैसा था। और लिंगशीट वाला तो ख़त्म ही हो गया ना, ये नया रूट है। ये नीचे देखिए कितने हेयर पिन हम क्रॉस करके आए हैं, बहुत नीचे से आ रहे हैं और अभी तक ऊपर चलते ही जा रहे हैं हेयर पिन बैंड के साथ। ये देखो, और ये पानी की वाटर क्रॉसिंग भी शुरू हो गई है। और जो सिंगला पास आएगा अब नेक्स्ट, और 16,500 समथिंग फीट की हाइट पे है सिंगला पास, काफी हाइट होती है। तो ये देखिए हेयर पिन्स, वहाँ से हम आए हैं और ये सारे हेयर पिन करते करते ऊपर से आ रहे हैं, वो हमारी बाइक से आ रही हैं और इसको ऊपर चलते ही सिंगला पास आ जाएगा। और ये देख लीजिए स्नो, कितनी सारी स्नो माउंटेन पे आई हुई है,
और ये सब मेल्ट हो रही है, तभी इतना वाटर क्रॉसिंग में पानी पानी हो रहा है। और ये सामने आ गया है शिंगेला पास, जो कि मोर देन 16,500 फीट के ऊपर है। ये रहा शिंगेला पास, शिंगेला पास सेकंड टाइम हम पहुंचे हैं शिंगेला पास पे। वी डिड इट, दिस इज द शिंगेला पास। तो अभी हम हैं शिंगेला पास और यहां से व्यू देखिए यार, कितना शानदार व्यू आ रहा है। ये सारे पिन बैंड से हम नीचे जाएंगे और वो रोड जा रही है उस माउंटेन के पीछे चले जाएंगे, वो आगे जो जगह बीच में दिख रही है इस माउंटेन के पीछे चले जाएंगे। और ये एक फ्रोजन अपना वाटरफॉल सामने नजर आ रहा है। ये देख लीजिए बर्फ के पहाड़ को क्रॉस कर रहे हैं। और जब मैं पिछली बार आया था तब ये कच्चा रोड था और बहुत स्लिपरी था, यहाँ तो एक बार स्लिप होते होते बचा था मैं। चिकनी मिट्टी है यहाँ पे, तो अब तो कहते हैं कि सिलसिला तक बन गया है ये रोड, और उसके बाद काफ़ी ख़राब रोड है। तो 3 घंटे का अभी भी रास्ता बचा हुआ है, जो जर्नी है हमारी। यहाँ पे काफ़ी वाटर क्रॉसिंग हुई है जिसकी वजह से रोड ख़राब हो गया। तो ऑलमोस्ट हम पूरा पहाड़ नीचे आ गए हैं, ये सबसे ऊपर थे हम टॉप पे, और ये देखिए कितना नीचे आ गए हैं। और जब से हम पिन बैंड से नीचे उतर ही जा रहे हैं, बहुत सारे पिन बैंड हमने क्रॉस करे हैं आज। ये देखिए एक और पिन बैंड, और शुक्र है रोड बन गई है तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल चलती है बाइक, कोई भी व्हीकल स्टेबल चलेगा। अचानक ये मौसम ख़राब हो गया, बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा एकदम, चिलनेस बहुत बढ़ गई है और हाथ बिल्कुल सुन पड़ रहे हैं। जब से ऊपर से हम उतर रहे हैं शिंगेला से, शिंगेला में तो कम ठंड थी लेकिन जैसे उतरने लगे ठंड बढ़ गई पता नहीं, और मौसम भी ख़राब हो रहा है। ऊपर मुझे तो लग रहा है स्नोफॉल नहीं हो रही हो, ऊपर पूरा बादलों से ढका हुआ है पहाड़। वो ब्रिज पे जाना है हमें उस सामने, और ब्रिज से सामने वाले पहाड़ पे चले जाएंगे। एट लास्ट हम पूरा माउंटेन को उतर आए हैं। अब एक माउंटेन से अब ये दूसरी माउंटेन पे जा रहे हैं, और ये दो एक साथ ब्रिज हैं, और ये अभी भी पूरी आइस जमी हुई है रिवर के ऊपर भी। भूमि टेस्ला पास आ नहीं रहा, पता नहीं निकल गया पता नहीं है, ये पीछे कटाया तो था, उससे लग रहा था कि ये ही पास है, लेकिन वहाँ प्रेइंग फ्लैग नहीं लगे हुए थे। इन पास जितने भी पासिस की ये विशेषता है कि वहाँ पे प्रेइंग फ्लैग या स्तूपा बना होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो अभी मैंने एक ब्रेक लिया था क्योंकि मेरी गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो वो अभी मैंने पावर बैंक लगाया है इसके साथ। पहुंच गए हैं फुटस्कर विलेज, विलेज थोड़ा नीचे जाके है, और वहाँ पे होम स्टे भी मिल जाते हैं, और फुटस्कर मोनेस्ट्री भी यहाँ की फेमस है। और बहुत सारे हमारे राइडर भाई आते हैं फुटस्कर में रहने, और काफ़ी रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हैं एक दो ढाबे हैं छोटे छोटे खाने पीने के, ये रहे। तो लास्ट टाइम भी मैं आया था तो यहाँ रुका था मैं चाय मैगी के लिए। हेलो, कहाँ से आए? ले से पदुम से निकले हैं। अच्छा, तो 11 बजे वो निकल के हुए जहाँ से वो जो वो चल रहा था कंस्ट्रक्शन। और यहाँ ढाबे पे अभी हमने मैंने तो राजमा चावल खाए, भाई ने आमलेट खाया, और अब हम चल रहे हैं। और ये भाई लोग आए थे, इनके पास पेट्रोल नहीं था तो मैंने 5 लीटर कैन इनको दे दिया है, 2 बाइकों में डाल दिया। बेचारे डरे हुए थे कि भाई पेट्रोल नहीं है, कहीं रास्ते में खड़ी ना हो जाए, तो मैंने कहा चलो किसी के तो काम आए, मेरे पास तो है अभी 5 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो अब ये पूरा रोड जो है वानला तक धूल मिट्टी वाला मिलने वाला है, अपना क्लाइम शुरू कर दिया है।
और आज का ये छठा पास आएगा। तो हमारी मेरी अचीवमेंट हो गई है एक दिन में 6 पास को क्रॉस करना। और ये सामने जो विलेज देख रहे हैं ये फोटोस्कर विलेज, और यहाँ पे भी होमस्टे आपको मिल जाएंगे अगर आप रहना चाहते हैं। देखिए कितने जिगजैग करके हुए हम ऊपर आए हैं, और व्यू देखिए, छोटा सा ग्लेशियर है यहाँ पे। और फोर्स गोरखा, ये 2 गाड़ियाँ हमारे साथ कल रुकी हुई थी हमारे जो गेस्ट हाउस में, तो सुबह साथ ही चले थे हम और अभी भी साथ ही हैं। हम पहुंच गए हैं सिरसिला पास। सिरसिला, ये है सिरसिला पास, सामने बोर्ड लगा हुआ है, लिया है सिरसिला पास। तो टोटल 6 पास हो गए हैं, और अब वारिला वानला गांव आएगा, वानला गांव, और वहां से रोड बहुत ही मक्खन हो जाएगा। और उसके 5-10 किलोमीटर बाद आई थिंक वो आ जाएगा श्रीनगर ले हाईवे। अभी ये इतनी सारी बर्फ मिल रही है, और ऊपर सिरसिला के ऊपर बर्फ नहीं मिली लेकिन नीचे बर्फ मिल गई है, पता नहीं क्या सिस्टम है नेचर का। ये रास्ता देख लो कितना गंदा रास्ता है, ये सिरसिला से वानला तक कहते हैं कि बड़ा गंदा रास्ता है। तो हम सिरसिला पास से उतर आए हैं बिल्कुल नीचे, अब वो माउंटेन से उतर के अब दूसरी माउंटेन पे आ गए हैं। अब यहाँ से फिर इंक्लाइन शुरू हो गई है, क्लाइम पूरा यही चल रहा है, इन डाउन अप डाउन। हम सिरसिला से जस्ट उतर रहे हैं और उतरते ही जा रहे हैं अभी तक, और लास्ट तक उतरेंगे जब तक वो रिवर नहीं मिल जाती। ये गांव आया है सिरसिला से उतरते ही, गांव का नाम तो नहीं पता, एक बात तो देखी है जो भी लोग मिलता है खुश होके मिलता है, यहाँ पे ग्रीटिंग्स करता है, हेलो हाय, ऐसे नहीं है कि मैं कौन तू कौन। रोड का काम चल रहा है, ये सारे लूज ग्रेवल डाले हुए हैं। ओहो बाप रे, और रोड तो और खराब होती जा रही है। ऑलमोस्ट हम नीचे उतर आए हैं, और ये रिवर साथ में चल रही है, रिवर लेवल पे आ गए हैं, और आगे एक ब्रिज आएगा तो इस माउंटेन से हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, और फिर वानला गांव आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो गाइस मेन ऑफ रोडिंग हमारी आज की ख़त्म हो गई है, और यहां से अच्छी रोड शुरू हो गई है, और हम पूरा जो सिसरा से उतरना शुरू कर रहा था अभी तक उतर ही रहे थे, और ये रिवर है, ये लिखा भी है इधर ले उधर मनाली, ये मनाली को रास्ता जाता है, पदुम होते हुए जंस्कार होते हुए मनाली। ये हमारी बाइक खड़ी है। गाइस हम पहुंच गए हैं वानला विलेज, तो ये रूट वानला के नाम से ही फेमस है, वानला वाला रूट जाना है तो जंस्कार जाना है तो ये देखिए लिखा है वानला। तो जो ब्रिज से जो ये मेटल रोड आ गया था, और बहुत बढ़िया रोड है उसके बाद, तो वानला में बहुत सारे होम स्टेज हैं रहने के लिए, अगर बाई चांस लेट हो जाए कुछ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया जगह है ये रुकने की वानला। और यहाँ ग्रीनरी भी है, और हवा बहुत तेज चल रही है यार आज, और ठंड भी हो रही है। तो गाइस हम पहुँच गए हैं खलसी, और रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था हमारा 2001 में, उसके बाद ही हमें एंट्री मिली थी। ये चेक पोस्ट पे रोक दिया गया था, और इस साइड पे लेफ्ट हैंड पे लगा रखा था रैपिड एंटीजन टेस्ट का पूरा यूनिट लगा रखा था हॉस्पिटल ले 97। तो
गाइस एट लास्ट हम पहुंच गए हैं ले, और ये यहाँ का मेन शांति स्तूपा, और हमने जाना है आगे स्ट्रेट, और ये मार्केट को रास्ता जाता है। सोलंकी जी का फोन आया था। अच्छा ये ड्यूटी में उसी को लगाता हूँ। मैं कहा भाई कमरा ढूंढ के दे अब। नहीं नॉर्मल सादा। पहले हाँ मैं सामान निकाल ले आता हूँ।